बारह है, बारह है। खतरनाक थक गया। ओ भाई साहब, हेलो गाइस, स्वागत है आपका सायर विश्व ब्लॉग्स में। पानी भर लेगा? हाँ। तो आज हम आए हैं वसई के जंगलों में एडवेंचर के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अंकल किस तरह से खेती कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण काफी शांति और सुकून वाला है। हम थोड़ी देर खेतों में रुकने के बाद में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। इस छोटे से रास्ते पे हम देखते हैं कि पानी भरा हुआ है, फिर भी हम आगे निकाल लेते हैं पानी के अंदर से, क्योंकि हमें जंगल का इतना प्यारा नजारा एक्सप्लोर करना था। आप देख सकते हो कितना सुंदर सा नजारा है यहाँ पे। यहाँ पे छोटी सी रिवर है, पानी का आवाज सुन के एकदम रिलैक्स हो गया है और यहाँ पे हमारी मस्ती शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मशीन की सहायता से खेती की जा रही है और काफी अच्छे तरीके से मशीन काम भी कर रही है। और कुछ देर बाद यहाँ पे मशीन में एक रूट अटक जाता है झाड़ का, पर थोड़ी देर बाद वो निकल भी जाता है फिर से। कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पहले ही यहाँ पे जमीन रेडी हो चुकी है चावल के लिए। इस जगह पर चावल लगाने वाले हैं, तो मैं अमूल को बोलता हूँ चलो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का जंगल एक्सप्लोर करते हैं। और इसी बीच मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों के बनाए हुए कुएं में पानी अच्छा खासा भरा था और काफी गहरा पानी था। और हाँ, यहाँ पे एक आम का झाड़ भी था और काफी सारे आम यहाँ पे नीचे गिरे हुए थे। आप देख सकते हो सारे आम यहाँ पे है। आप देख सकते हो कि जंगल में किस तरह से घर बनाया गया है और इस घर में जो रहता होगा उनकी हेल्थ कितनी सही होगी। मतलब सोचो ना, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि काफी ज्यादा एकदम चढ़ना है, ट्रैकिंग करनी है, वो भी विदाउट एनी सपोर्ट। तो चलते हैं, लेट्स गो। ये जगह नेचर से भरपूर भरी हुई है, हरियाली से भरी है और एकदम चिड़िया की आवाज भी आप सुन सकते हो। ये देख सकते हो आप केले का झाड़, और इसमें केला अभी तो नहीं है, फिलहाल देखते हैं आगे क्या मिलता है। और ऊपर जाना है, अमोल बोल रहा है। आप देख सकते हो कितना प्यारा नजारा यहाँ से नीचे दिख रहा है। तुम लोग इधर अमोल ले, भारी शॉट है देखो ना। ये लाजाड़ू का झाड़ है, जैसे चुई मुई कहते हैं ना, उसे कहते हैं लाजाड़ू। लाजाड़ू जी थी बना तो लाजत ने। कसला झाड़ है? चलिए हाँ, थोड़ा थोड़ा सामान दो। धक 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 जीव कर, दम लागले भरपूर, खतरनाक थकला, अजून वरते जायचं आम्हाला। चलो आगे चलते है। बघा मुळे व्हाईट वाले त्याचे आतून जातात, हे अडूलस आहे। मुळे पाण्यासाठी यूज करत होते मुळे। बघा मुळे, बघा व्हाईट व्हाईट मुळे कसे आतमधून फिरायला लागले। आप नीचे देख सकते हो कि हम काफी ऊपर तक आ चुके हैं और नीचे देखने में एकदम खाई जैसा दिख रहा है। चलो अभी तो काफी दिक्कत जा रही है ऊपर चढ़ने में, क्योंकि पहाड़ की एकदम चढ़ाई काफी चढ़ने में काफी दिक्कत जा रही है, काफी ज्यादा चढ़ान आ चुकी है। फिर भी हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि विदाउट एनी सपोर्ट अच्छे से चढ़ जाए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। देख सकते हो आप कितना खतरनाक है, अगर कोई स्लिप भी हुआ तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाएगा, वो भी बिना नॉन स्टॉप। वाह, पकड़ो ना, बोल खाली पाटून त्याने कधी पकडू नये।
अमोल बोलतो याला पकडून द्या हे बघा हे हळूहळू पकडून हे पकडा आप देख सकते हो कि मेरी सांसें काफी ज्यादा हद तक फूल रही थी क्योंकि चढ़ाने कुछ ऐसी थी कि बहुत खतरनाक ही एकदम लग रहा था। इस वक्त हम एकदम टॉप पे पहुंच चुके हैं, रास्ता लग गया है हमें ऊपर जाने के लिए। इस वक्त हम ऊपर जाने वाले हैं और यहाँ पे एक प्यारी सी बटरफ्लाई हमें दिखती है जैसे आप देख सकते हो, और हम उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अमोल एकदम रिलैक्स होकर ऊपर चले जा रहा है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। मैंने तो एक सपोर्ट के लिए लकड़ी ले ही ली। तो फाइनली हम पहुंच गए। हम लोग है ना इतने पूर्ण शॉर्टकट करून आम्ही इथे वरती आलोय। हमारा पूर्ण रास्ता आता व्यवस्थित भेटला आहे। आता आम्ही अजून वरती जाणार आहे और ऊपर जाएंगे हम और एंजॉय करेंगे। चलो ये देख सकते हो पूरा नजारा अच्छा खासा। ऊपर हम आ चुके हैं अभी। पहले ग्रांड उकर दे कसे होते एक अपोजिट साइडला खंडे आहे तिथे एक वरती घर आहे तिथे फाशी मारली आहे। पण आलो तो उभा आलो उभा जास्त आपल्याला पण तो खरा ऍडव्हेंचर आहे। तुम्ही आलोय तो आप देख सकते हो इतना खतरनाक रास्ता हम यहाँ पे आए ऊपर। अच्छा यही रास्ता होने के बावजूद भी एडवेंचर के लिए सर। हमें यहाँ पे आके कुछ एक घंटा हो गया पर समय का कुछ भी पता नहीं चल पा। मैं काटू का एक नंबर एक मार देता हूँ। एक और यहाँ पाओ। ठीक है काट ले। चलिया। अच्छी तरह। मैं पंखा। हम थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें एक पत्थर के पास में क्रैब के छोटे छोटे बच्चे देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं। मच्छर थोड़ी देर इनके साथ खेलने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ताजी ताजी हवा, ताजा ताजा पानी और जंगल में इस तरह की हरियाली एकदम मन को सुकून दे रहती है। पर थोड़ी ही देर बाद हमें एक क्रैब देखने मिलता है जो झाड़ के एकदम रूट के अंदर बैठा हुआ होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम भी करके दिखाता हूँ मैं। इसलिए ना एक नंबर है तो उस खड्डा। हाँ हाँ तो खड्डा थे देखो समोर। अरे तो ये तो आला 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 भाई। अमूल की ट्रिक से वो धीरे धीरे बाहर आता है। पर वो क्रैब स्मार्टली अंदर चले जाता है। काफी ट्राई करने के बाद वो क्रैब फिर से बाहर आता है पर फिर भी हम उसे पकड़ नहीं पाते। और इसी तरह वो फिर से भाग जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर से हमें एक और क्रैब मिलता है। आया आया है बाहर आया बाहर आया। रुक 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 लाल केकड़ा
पकड़ पकड़ पकड़। नहीं 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 आएगा, नहीं आएगा। फाइनली हमें एक लाल कलर का क्रैब मिलता है। आप देख सकते हो काफी बड़ा क्रैब है। थोड़ी देर बाद हम उस क्रैब को छोड़ देते हैं और फिर दूसरे क्रैब पकड़ने जाते हैं। क्रैब हमें और एक मिल जाता है जो व्हाइट कलर का होता है, आप देख सकते हो। वो भी हमारे साथ में हाइड एंड सीक खेलने लग गया। उस क्रैब को पकड़ने के बाद हमें और एक क्रैब मिलता है, हम उसे पकड़ते हैं और फिर देखने के बाद हम इसे छोड़ देते हैं। साथ में उसी के साथ हमें एक छोटा सा बेबी भी दिखने मिलता है, तो हम उसे भी जाने देते हैं। उसके बाद हम छोटे से पानी में हाथ पर धोने के बाद वहां से निकलते हैं। लेट्स गो। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पर क्या करें, टाइम को देखते हुए हमें यहाँ से जाना पड़ता है। और इसके बाद में हम यहाँ से जब निकलने लगते हैं तो हमें काफी अच्छा सा नजारा देखने मिलता है। पूरा का पूरा वसई सिटी यहाँ से देखने को मिलता है। एकदम प्यारा सा सीन, काफी सुंदर सा सीन यहाँ पे देखने मिलता है। और सारी के सारे बिल्डिंग्स यहाँ पे इजीली दिख जाती है। ये Now back to the hour. फिर हम आगे बढ़ते हैं नीचे की ओर, पर इस बार हम सीधा सीधा रास्ते से जाएंगे। और यहाँ पे हमें क्रैब देखने मिला जो कि मर चुका है किसी के पैर के नीचे आके। जब मैं नीचे उतर रहा था तब मेरा पैर अचानक से स्लिप हुआ और मैं नीचे से गिरते गिरते बाल बाल बचा। पर फाइनली हम नीचे पहुंच चुके हैं और काफी अच्छा लग रहा है अभी नीचे भी आके। हरियाली हरियाली है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं इसी जंगल को। इतन चढ़ ले लो ऐसा अने आलो इतन रास्ता। और आप देख सकते हो कि ये वही केले का पेड़ है जो ऊपर जाते टाइम हमने आपको वीडियो में बताया था। हमें ना जाते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या क्या मिलेगा हमें। लक्ष्मण कैंड देखना, घर बन रही है। काफी दूर तक हम आने के बाद में हमें ज्यादा कुछ यहाँ पे देखने तो मिला नहीं, सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी थी। और इसके बाद में एक छोटा सा घर यहाँ पे हमें दिखा है। इसके बाद हम घर के लिए निकल जाते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। okay.